Hello, students, welcome back to my channel Learn with BB. Today, we are going to read class 6, first poem of the book that is A House, a Home. So, before reading the poem, first of all, uh, we have already started this chapter number 1 that is Who Did Patrick's Homework. So, if you haven't heard the explanation of this chapter then go and check the chapter one's uh, explanation and then come to this poem now before starting this poem uh, tell me what is the meaning of a house a home makan or ghar mein kya difference hai bolo मकान भी तो मकान ही है घर घर जहाँ पर हम रहते हैं दोनों दोनों जगह में ही हम रहते हैं तो डिफरेंस क्या है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड अ हाउस अ होम देखो ये जो पोएम है इट्स वेरी ब्यूटिफुल सिंपल सा पोएम है बट मीनिंग जो है ना इसका जो इम्प्रेशन है है ना वो बहुत गहरा छाप छोड़ रहा है उसको समझना पड़ेगा इसके जो लेखक है लेखिका लॉरियन एम हेली है ना इन्होंने बड़े ही इजी वे में ये पोएम को लिखा है और एक डीप जो थॉट है है ना जिसको हम कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग वो जो है ना एक गहरा छाप छोड़ा है राइटर ने क्या क्या छोड़ा है यहाँ पर देखो व्हाट इज हाउस इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स यार्ड इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स सो देखो यहाँ पर वट इज ए हाउस हाउस क्या है हाउस जो है वो ब्रिक्स से बनती है ब्रिक्स स्टोन्स वुड्स जो भी चीज़ है जो हार्ड होते हैं उनसे बनता है सम विंडो ग्लासेस उसके बाद फिर विंडो ग्लास लगाया जाता है है ना आ, कुछ जगह होता है यार्ड मींस स्पेशियस जगह ठीक है कोई भी हो सकता है ये एक बैक यार्ड भी हो सकता है रूम के अंदर भी हो सकता है ठीक है इट ईव एंड चिमनीज़ एंड टाइल फ्लोरस सो देखो इट ईव्स मतलब क्या होता है ईव्स यहाँ पर जो है हमारा जो अब अभ, अभी आप लोग घर पे बैठे हो तो आप देखो जो छत है रूफ सीलिंग और जो साइड का जो हम लोग का दीवार है वो जिस जगह पर जाकर जॉइंट हो रहा है है ना पूरा तो उसको हम ईव कहते हैं देन चिमनीज़ तो घर में चिमनीज़ तो होते ही हैं है ना इस तरीके के चिमनीज़ हैं मिल जाएंगे हर किसी के घर में तो चिमनीज़ होते हैं उसके बाद टाइल्स होते हैं फ्लोर में कोई कोई मार्बल लगाता है कोई टाइल लगाता है कोई नॉर्मली करते हैं ठीक है देन स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स और जो स्टूको होते हैं जैसे हमारे फॉल्स सीलिंग लगाया जाता है, है ना या फिर कोई कोई कोई, -कोई फॉल्स सीलिंग ना लगा करके रूफ सीलिंग मरी कुछ डिज़ाइन करके कुछ ऐसे बनाते हैं है ना उसके बाद या उसके बाद हम लोग जैसे ही प्लेन रहता है उसको हम प्लास्टर करके फिर कुछ उसमें डिज़ाइन से आकृति बनाते हैं तो एक सुंदर लगने के लिए डेकोरेट करने के लिए है ना तो वैसे ही हम घर को सजाते हैं और घर हाउस में क्या होता है बहुत सारे दरवाजे होते हैं तो देखो हाउस में क्या क्या होता है हाउस ब्रिक्स स्टोन्स वुड्स इन सब से बनता है फिर ग्लास लगाते हैं मतलब कि खिड़कियाँ होती हैं है ना चिमनीज़ होते हैं वही दीवार और छत जुड़ता है उसको ईव्स होते हैं टाइल्स होते हैं उसके बाद फिर हम फॉल सीलिंग हो हो गया या फिर कुछ ऊपर कुछ सजावट के लिए हम लोग ऐसे डेकोरेट कर देते हैं सीलिंग को तो वो हो गया और बहुत सारे दरवाजे हो गए तो ये जो है हाउस में होते हैं अब ये सब तो होम में भी होते हैं फिर डिफरेंस क्या है देखो वट इज़ अ होम इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स देखो एक ये अब होम मतलब घर घर जो है ना वो एक फैमिली से बनता है एक लविंग फैमिली से जो दूसरों के लिए हम लोग दूसरों के लिए करते हैं मतलब कुछ हेल्प हो गया या फिर कोई दूसरों के लिए जीते हैं है ना अब हमारा जो फैमिली है हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं दूसरों की हेल्प करते हैं दूसरों को प्यार करते हैं है ना जैसे भाई बहन पापा मम्मी तो ये इन सब का इन सब का एक साथ रहते हैं ये सब एक साथ बॉन्डिंग में रहते हैं इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग अब देखो यहाँ पर इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स अनसेल्फिश एक्ट्स मतलब क्या होता है सेल्फिश एक्ट्स क्या होता है इसको समझो अनसेल्फिश एक्ट्स अपने आप समझ में आ जाएगा अब देखो कोई भी चीज़ हम अगर करते हैं ना तो उसके विनिमय हम क्या करते हैं हम उससे रुपया या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ लेते हैं मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी होता है है ना फॉर डूइंग समथिंग वी चार्ज और वी टेक समथिंग इन रिटर्न सो दैट वन इज सेल्फिश एक्ट बट अनसेल्फिश एक्ट मीन्स उसमें हमारा मतलब हम सिर्फ करते हैं है ना उस बदले में कोई आशा नहीं रखते हैं कि हाँ हम वापस ये सब करेगा ये करेगा वो ये करेगी ये सब हम नहीं सोचते हैं हम बस अपना काम करते हैं सो दैट वन इज़ अनसेल्फिश एक्ट सो इन आवर फैमिली हु इज़ द मोस्ट अनसेल्फिश पर्सन इट्स फादर एंड मदर है ना बिकॉज वो लोग हमारे लिए जो करते हैं कोई भी नहीं करेगा दुनिया का कोई भी इंसान नहीं करेगा सो so, वही कह रहे हैं कि उनका जो अनसेल्फिश एक्ट्स है और काइंडली शेयरिंग जो आ, कोई भी चीज़ है ना हम लोग ये चाहते हैं हम लोग अगर बोलते हैं पापा हमें ये चाहिए हमें ला दो मम्मी हमें ये चाहिए तो देखो बदले में कोई आशा नहीं करते हैं कि हाँ मैं ये ला दूँगी मैं ये ला दूँगा लेकिन आ, बदले में तुम ये करो तुम्हें वो करना पड़ेगा ठीक है ये ये कर दो या फिर आ, सौ बार उठक बैठक करो मैं ये ला दूंगा कभी ऐसा करते हैं कुछ नहीं करते हैं है ना तो उनका जो प्यार होता है वो अनसेल्फिश होता है अनकंडीशनल होता है शो ऑफ नहीं करते हैं प्यार तो करते हैं हमें वो दिखता भी है हम भी प्यार करते हैं वो भी उनको पता है लेकिन इसके लिए हम तो शो ऑफ नहीं करते हैं ना तो वही कह रहे हैं कि जो हाउस है वो सिर्फ़ हाउस ही है जब तक हाउस है जब तक वो वो जब तक घर नहीं बन जाता तब तक वो हाउस है अब घर कैसे बनेगा जब जब कोई फैमिली आकर उस जगह पर रहेगी रहना स्टार्ट करेगा है ना वो कोई फैमिली आकर तब जाकर वो जो मकान है घर बनता है मकान ईट पत्थर इन सब से ही मकान बनता है घर भी उसी से ही बनता है लेकिन घर में जो मसाला होता है तड़का होता है वो क्या होता है प्यार का तड़का होता है इमोशन का तड़का होता है है ना अब देखो अकेले अगर तुम कहीं रहोगे मज़ा नहीं आएगा परिवार के साथ रहने में जो मज़ा है वो अकेले में नहीं आएगा तो सब एक साथ प्यार से जब रहते हैं ना सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं फिर भी एक दूसरे को प्यार करते हैं एक दूसरे के बिना वह रह नहीं सकते हैं है ना ऐसे ही तो ये जो परिवार है परिवार ही घर बनाता है एक इमोशन जब जुड़ता है ना तब जाकर एक मकान घर बनता है तो यहाँ पर देखो राइटर ने बड़ी ही बेखूबी से एकदम से सिंपल वे में कितनी गहरी बात कह दा, कह डाली है ना तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम So let's just solve the working with the poem. Now, see, only two questions are there, and it's very easy. So, uh, see the first question Do you agree with what the poet says? Talk to your partner and complete these sentences. See number a a house is made up of what so a house is made up of brick stone hardwood and window glass etc so in sab se house banta hai. so number two it has what it has chimney it has tile floor stucco and lots of door etc number three a home is made by? A home is made by loving family members. That is mother, father, brother, sister. Hannah? So come to number four. It has unselfish acts, sharing, caring for the loved ones. Now see question number two. Question number two will not come in your exam okay so if you want to do you can do on your own uh, for example my house my house is made up of what my house is made up of bricks cement uh, etc the best thing about my home is uh, that uh, i have loving and caring parents and so you can write on your own you can make your own sentence you can make your own answers okay so this question number 2 will not come in your exam so i hope you have understood this chapter this poem it's a very beautiful poem so that's all for today thanks for listening so bye